रेसिपी में बनाने जा रहे हैं चना और मूंग का मिक्स दाल। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए ये सब मटेरियल है और ये दाल है दो तरह का। अब इसको चना दाल को धो लेते हैं। इसको दो पानी से धो लेंगे अच्छे से। मसूर दाल है इसको भी धो लेते हैं। ये छिलका वाला दाल है, आप लोग बिना छिलका वाला भी डाल सकते हैं क्योंकि हम छिलका वाला ही डालते हैं। और दाल को कुकर में डालते हैं। और ये मूंग दाल हो गया। और प्याज को कट कर लेना चार भाग में। इस टाइप से कट करके इसको डाल देंगे इस तरह से। और टमाटर को भी इसी तरह काटना है। इसको भी इसमें डाल देंगे इसी तरह। इसको भी डाल देंगे। अब ये लहसुन है, लहसुन को भी इसमें डाल देंगे। और मिर्च को इसे बीच से कट कर लेंगे देखिए इस तरह से। और ये तेज पत्ता है इसको भी खड़ा ही डालेंगे। और ये दालचीनी है और ये दो लौंग और ये बड़ी इलायची। अब इसमें पानी देंगे। पानी बस दाल डूबने तक देना है। और नमक भी डाल देते हैं इसमें, स्वाद अनुसार नमक डालिए। और घी भी डालेंगे एक चम्मच। और थोड़ी सी हींग देंगे, चना दाल में हींग जरूरी होता है, इससे टेस्ट भी आता है। और ये हल्दी डालते हैं और इसे कुकर को बंद करते हैं और गैस चला देते हैं। इसको चार पांच सीटी लगेगा और आप लोग कुकर के हिसाब से, जैसा जिनका कुकर है उस हिसाब से सिझाइए। और ये देखिए सिझ गया है सब। ये टमाटर है इसका छिलका उतार लेंगे क्योंकि ये छिलका तो गलेगा नहीं। कितनों सीटी मार लीजिए और सबका छिलका निकाल लेंगे। और ये देखिए पूरी तरह से सिझ गया है दाल। और इसे चलाते हैं। देखिए इसमें जरूरत भर पानी लगेगा, अगर जरूरत है तो आप लोग भी डालिए पानी, गर्म पानी डालना है। और इसको चलाते हैं। जो मूंग का दाल दिए उससे देखिए कितना अच्छा आया है गाढ़ा गाढ़ा। और इसको बंद करते हैं और तड़का की तैयारी करते हैं। घी दो चम्मच डालते हैं तड़का के लिए। और इसमें जीरा डालेंगे। और ये दो सूखा मिर्ची डालेंगे। गैस को थोड़ा लो फ्लेम कर देंगे। और ये लहसुन है कटा हुआ देखिए। ऐसे चला लेंगे। और ये हींग डालेंगे थोड़े से हींग। और ये अदरक है कटी हुई देखिए इस तरह से। और ये कसूरी मेथी है। अब इसमें कश्मीरी मिर्च डालते हैं इससे एकदम कलर आए अच्छे से। और इसमें तड़का लगाते हैं।
देखिए इसको चलाते हैं। कितना अच्छा से एकदम बन गया है दाल, देखिए गाढ़ा गाढ़ा पूरा। अब इसको निकालते हैं। अब इसमें धनिया पत्ता डालते हैं। तो देखिए YouTube फैमिली, हमारा दाल तो रेडी है, चना और मूंग का मिक्स दाल। इसको हम करने वाले टेस्ट, उसके बाद हम इसको खाएंगे रोटी के साथ। तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है, कितना टेस्टी है। क्योंकि इसका धमक पूरा घर में फैल गया है, जो तड़का लगाया ना उससे पूरा इसका स्मेल पूरा घर में सुना सुना एकदम लग रहा है। आप लोग भी इसी तरह बनाइए और खाइए। लाजवाब मम्मी, मस्त बना, बहुत आसान तरीका। इतना आसान तरीका से बताइए मम्मी, फास्ट एकदम बनेगा। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को देखते रहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।